नमस्कार दोस्तों, मैं राघव सिन्हा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक जोन राघव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप एक्सेल के अंदर अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। होता क्या है गाइस कि जब आप एक्सेल पे काम करते हो तो आपको भी ज़रूरत पड़ता होगा अपने फाइल को किसी ना किसी से को शेयर करने की। ऐसे कि में क्या होता है कि जब आपका फाइल प्रोटेक्ट नहीं होता है तो वो कुछ भी तरह का चेंजेस उसमें अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम से आप बिल्कुल बच सकते हो। किस तरीके से बचोगे गाइस, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोटेक्ट लगा देना है, यानी कि प्रोटेक्शन लगा देना है अपने वर्कबुक पे। वो कैसे लगाओगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो सिंपल, जैसे कि देखो यहाँ पर सीट वन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये फाइल मेनू बार में आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे मेनू बार मिल रहे हैं जिसमें से आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू का, राइट। इस रिव्यू टैब में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप रिव्यू टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का, राइट। तो इस पे आपको सिंपली करना है क्लिक। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो एक छोटा सा विंडो आपकी स्क्रीन पर आता है दोस्तों, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज़ का, राइट। और यहाँ पर आपको दो चेकबॉक्स मिल रहे होंगे, स्ट्रक्चर एंड विंडोज़ का। आपको क्या करना है, इन दोनों चेकबॉक्स को टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने मन मुताबिक कुछ पासवर्ड यहाँ पर लगा देना है, जो आप चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 222 लगा दिया, राइट, 222 लगा दिया पासवर्ड। अब सिंपली मैं करता हूँ ओके। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पर री इंटर पासवर्ड मांगा जाएगा, तो उसमें भी आपको क्या कर देना है, री इंटर कर देना है पासवर्ड को। अब आप सिंपली कर दो ओके। जब आप ओके करते हो तो देखो आपका वर्कबुक पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो चुका है। अब आपका ये प्रोटेक्शन पे क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस आपके ब्लॉक हो जाते हैं। जब आप ये फाइल किसी को शेयर करोगे तो उस बंदे के लिए कुछ ऑप्शंस ब्लॉक हो जाएंगे, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा सीट्स लेने का ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो लास्ट सीट हमारा 6 ही है, 7 सीट यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा, चाहे आप शिफ्ट प्लस F11 करो या फिर आप इस बटन पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसके साथ आपको क्या क्या ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ इंसर्ट करने का ऑप्शन ब्लॉक हो चुका है, डिलीट करने का ऑप्शन आपका यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, रीनेम का भी यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, मूव और कॉपी करने का भी ये ऑप्शन आपका ब्लॉक हो चुका है। इसके अलावा और क्या है, टैब कलर, हाइड अनहाइड, ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं। तो ये आसान सा शॉर्टकट ट्री अपना लेने से आप क्या कर सकते हो, आप अपने वर्कबुक को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल अच्छा लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक करना, कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाले बेल पे जरूर क्लिक करना ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। फिर मैं इसी तरह के ट्रिक्स के साथ मिलूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।